Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM SG3 पर मैं हूं समन और शो चालू हो गया है वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जिसमें हमारे साथ जुड़ती हैं रेवा जी. रेवा जी इज PhD इन वास्तु शास्त्र. शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट बोलना चाहिए. पूरे बे एरिया की द मोस्ट रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट वो हैं. शी हैज मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो अभी ये 3 से 4 बजे तक हमारे साथ स्टूडियो लाइन पे जुड़ती हैं. आप कॉल कर सकते हैं 510-770-1550 पे, या फिर अगर आप कुछ डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पर, या फिर आप उनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं divinevastu.net. वास्तु की अगर बात करें तो अगर आपको रेक्टिफिकेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उनका ऑफिस फ्रीमॉन्ट में आप वहां जा सकते हैं. उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे. एक बार और वास्तु शास्त्र के बारे में अगर आप कोई भी सवाल रखते हैं तो आप हमें स्टूडियो लाइन पे कॉल कर सकते हैं 510-770-1550. रिवर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है और वास्तु ना सिर्फ आपके घर का, ना सिर्फ आपके ऑफिस का, चाहे आपने नया प्लॉट लिया हो, कुछ भी आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ वास्तु. तो इट्स ऑलवेज गुड टू क्लियर आउट डाउट्स. और रिवा जी से अच्छा कोई नहीं होगा इस बारे में आपको बताने के लिए. सो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर 510-770-1550. विद दैट मैं वेलकम करना चाहूंगी रिवा जी को स्टूडियो में. रिवा जी कैसी हैं आप? जी हाँ, नमस्कार समन और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा. नहीं अभी भी नहीं आ रहा है. आई थिंक यू शुड टेक द सेकंड माइक. हाँ जी, सॉरी लिसनर्स अबाउट द कंफ्यूजन. रिवा जी. जी हाँ, हेलो समन और हमारे सभी जितने भी लिसनर्स हैं, आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. बिल्कुल रेवा जी, पहले तो ये बताइए आपको गणेशोत्सव में कितना मजा आया? मजा पूछो ही नहीं. बहुत 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 ही अच्छा था गणपति उत्सव. और उसका जो क्रेडिट जाता है हमारा रेडियो जिंदगी पूरी टीम को, और साथ ही साथ में हमारे जितने भी स्पॉन्सर जिन्होंने साथ दिया. एंड दैट वाज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट. हमेशा की तरह दिस वाज द सेकंड गणपति उत्सव, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2017 में इससे भी बड़ा और इससे भी अच्छा से अच्छा बड़ा बहुत आएगा. लेकिन क्योंकि इसमें पूरा जो कहें जो हेल्प हमारे जितने भी हमारे विजिटर्स आए थे, दैट वाज मोर देन 30,000-40,000. और लेकिन साथ ही साथ में जितने भी वॉलंटरी जिन्होंने इतना किया, सबके साथ में हेल्प किया, पूरा मैनेज किया, दैट वाज ग्रेट. और क्रेडिट हमारा रेडियो जिंदगी, जैसे मैं बता रही हूँ, प्रवीण जी को, नीरज जी को, हमारे बाकी स्पॉन्सर्स को, और हमारी पूरी रेडियो जिंदगी टीम जिसने बहुत ही मन के साथ गणपति उत्सव किया. और आज गणपति जी का अनंत चतुर्दशी, जिसमें आज लास्ट डे है, आज के दिन विसर्जन किया जाता है. लेकिन इसी विसर्जन के साथ साथ हम हमेशा यही कहते हैं कि गणपति बाबा अगले बरस तो जल्दी है. तो यही मैं अपने जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको मैं यही गुड विशेस देती हूँ, और यही कहती हूँ कि जल्दी से उनके घर में हमेशा इसी तरह से सुख शांति रहे. और यही नहीं है कि सिर्फ यही 15 डेज में 365 दिन ही हमारी लाइफ में सेलिब्रेशंस रहे. एंड वो वैसे भी देखें उत्सव एंड वास्तु तो दोनों एक ही चीज हैं. तो सेलिब्रेशंस रहें, खुशियां रहें. और जैसे कि कल से भी आपने रितेश जी भी कहते कि कल सुबह से पितृपक्ष शुरू है. जैसे पितृपक्ष खत्म होगा 30 सितंबर को, तो नवरात्रि दुर्गा पूजा आ जाएगी. जैसे कि गणपति उत्सव हम बहुत तेज से मनाते, वैसे ही दुर्गा पूजा बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है. तो यहाँ रह के भी अपने देश के साथ जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी भावना है हमारे सभी लोगों में. तो मैं उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करती हूँ. बिल्कुल रेवा जी, पिछली बार हमने गणेशोत्सव था इसलिए गणेश जी की बात करी थी कि घर में उन्हें कहाँ रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से. इस वीक हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीक में जैसे कि हमारे पास में जिसमें हम रितेश जी के शो में बात कर रहे थे, हमारे साथ में तमन्ना जो इंडिया से आई थी, शी इज वेरी फॉलोअर ऑफ रितेश जी का, और वास्तु को भी उन्होंने बहुत फॉलोअप किया. बीइंग अ सिंगल वुमन उन्होंने बताया कि लाइफ के बीच में वो कहाँ पे किस लेवल पे पहुंची है.
तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि स्पेशल रिलेशंस को लेके, कि अगर कई बार होता है कि आप ऑफिस में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डूइंग वेरी गुड, शाम होती है जैसे ही हम अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तो घर के बाहर पहुंचते ही एकदम हमारे को एक स्ट्रेस फील करता है, हम अवॉइड करते हैं उस लोकेशन पे जाने के लिए, घर के नजदीक नहीं जाना चाहते, जहाँ घर के अंदर चले जाते हैं तो अच्छे भले थे लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि समय कई बार होता है कि लिसनर्स कह रही, मैं जब विजिट करती हूँ, लोग कहते हैं कि घर के अंदर स्ट्रेस था लेकिन घर से हम बाहर जाते हैं तो वही रिलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं जरूर बात करना चाहूंगी पर्सनल रिलेशंस को लेके कि क्यों है ये, क्यों लिटिगेशन आ जाते हैं जहां हम अपनी पसंद की शादी करते हैं या हम अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग से करते हैं, लेकिन कुछ कई ऐसा नहीं कि वो इमीडिएटली हो जाता है कि 15-20 साल तो आपका बहुत अच्छा रहा लेकिन अचानक 20 साल के बाद में कुछ ऐसा दौर आता है कि आप लोगों का स्ट्रेस हो जाता है, या कहीं ना कहीं दोनों ही आपस में कह सकते हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। सो व्हाई दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी इज कमिंग इन लाइफ, सो इट मींस देयर इज सम वास्तु डिफेक्ट, क्योंकि ये जो वास्तु का हम बारे में डिस्कस करते हैं तो दिस इज नॉट ओनली अ सिंपल वर्ड, इट इज रिलेटेड विद द एनर्जीज, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वेन एवर वी रेक्टिफाई वी ऑलवेज गेट द परमानेंट रिजल्ट। एनर्जी प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस, किसी भी चीज की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एनर्जी प्रोसेस ही हमारा सबसे बेस्ट प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि हमारे को वहां की पॉजिटिव एनर्जी देनी है। अब अगर हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो वो एनर्जी को ये नहीं लें कि एनर्जी मतलब कि आप कोई भूत प्रेत होंगे या कोई ब्लैक मैजिक होगा, इट्स नथिंग लाइक दिस, इट इज नथिंग लाइक दिस। एनर्जी मींस कि कहाँ पे हमारे को किसकी वजह से किस डायरेक्शन की कमी या किस डायरेक्शन की बढ़ोतरी की करके वो हमारे को नेगेटिविटी मिल रही है, या हमारे को नेगेटिविटी का रीजन क्या है, क्या वो प्लैनेटरी पोजिशंस की वजह से है, जैसे हम बात करते हैं कई बार डायरेक्शंस हैं, इन्हीं डायरेक्शंस में वो आपके प्लैनेट्स रहते हैं। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी के बीच में तो प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, लेकिन वास्तु में प्लैनेटरीज की जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो परमानेंट है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द जुपिटर प्लैनेट और वो जुपिटर ही रहेगा, वो पूजा की जगह रहेगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर प्लैनेट है और अगर वहां पर आप बाथरूम रख देंगे, टॉयलेट रख देंगे या किचन रख देंगे, तो क्या है हम अपनी वो प्लैनेट्स को परेशान कर रहे हैं। साउथ वेस्ट इज द अर्थ एलिमेंट एंड इट इज रिलेटिव विद द राहु प्लैनेट। अब राहु का साउथ वेस्ट के साथ में कंसर्न है, अर्थ एलिमेंट के साथ में प्लैनेटरी पोजिशन उसकी राहु से है। आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, अगर हम उनको साउथ वेस्ट से उठा के नॉर्थ वेस्ट में बिठा दें, एयर एलिमेंट की तरफ, मून प्लैनेट की तरफ, तो उनकी वो वाली पोजीशन हो जाएगी, यानी कि कहीं पे भी जिससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको वहीं पे ही आपने जगह देनी है, वी कैन नॉट गेट इट चेंज। ओके, साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट एंड दैट इज अ फायर एलिमेंट। वीनस प्लैनेट मीन की घर की किचन है, अन्नपूर्णा क्यों कहा गया है, अन्नपूर्णा इसलिए कहा जाता है कि आप घर का खाना बनाते हैं, आपके घर में बरकत है। मान लिया कि आज के समय में आदमी और सभी खाना बना रहे हैं, आई डू एग्री, आई रेस्पेक्ट फॉर दैट बिकॉज वी हेल्प ईच अदर, लेकिन पर्टिकुलर वो वीनस की एनर्जी से रिलेटेड है। किसी ने ये गलत नहीं है कहा कि पति तक पहुंचने के लिए उसका पेट का रास्ता सबसे बढ़िया है, यानी कि आप वहां अच्छा से अच्छा खाना बनाती हैं तो वो वीनस है, खाना अच्छा बनाएंगे, आपका वीनस इनहेंस होगा तो नेचुरली आप अपने पति के और भी क्लोज जाएंगे। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, फायर एलिमेंट की तरफ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को कि अपने अपने प्लैनेट्स हैं, तो अगर उस प्लैनेटरी पोजीशंस को, उन प्लैनेट्स को अपनी जगह नहीं मिली, अगर हमने उस जगह से हटा के उस प्लैनेट को दूसरी जगह दे दी, पूजा की जगह नॉर्थ ईस्ट की जगह है जुपिटर की, अगर आप वहां पे पूजा की जगह नहीं करके हम अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट में ले गए, तो आपने मतलब कि उस जगह से उठा के एक जगह बदल दी, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज ए नेगेटिव रिजल्ट। तो वो एनर्जी को हमने पॉजिटिव करना है, लेट बी देयर, हम उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, ना कि हमको उस स्थान को शिफ्ट करना है, ना कि हमारे को जगह की तोड़ फोड़ करनी है। जी जी रीवा जी, कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता अपने घर में क्या डायरेक्शंस हैं, कहाँ है, मोबाइल पे आप कंपास यूज करते हो, दैट माइट अफेक्ट आपके घर का वास्तु का, आप एग्जैक्ट वो नहीं ले सकते। सो इट्स वेरी इजी, डिवाइन वास्तु ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू यूज, वेरी यूजर फ्रेंडली, आप बस उसे डाउनलोड करिए और अपने घर का वास्तु आप खुद कई हद तक समझ जाएंगे। और अगर आपको अभी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत है
तो फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं 5107701550. आई रिपीट नंबर है 5107701550. अब आते हैं कि रिलेशंस को लेकर जो बात कर रही थी मैं, साउथ वेस्ट इज द बेस्ट एलिमेंट फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. अगर आप पर्सनल लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को अपने मास्टर बेडरूम की तरह सूट करें. साउथ वेस्ट को आप मास्टर बेडरूम को आप किसी और के साथ, मतलब कि यहाँ पे बच्चों को या गेस्ट के साथ उस एनर्जी को बिल्कुल शेयर मत कीजिए. वो रूम उनके लिए नहीं है. अर्थ एलिमेंट सिर्फ है हस्बैंड वाइफ के लिए. लेकिन अगर कोई न्यूली वेड कपल है और वो अपनी पर्सनल लव लाइफ को इन्हांस करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट रूम भी हम रेकमेंड करते हैं. बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट एंड द एयर एलिमेंट टू इन्हांस देयर पर्सनल लाइफ. लेकिन साउथ वेस्ट जो है मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट है. अब रेवा जी, वी आर गेटिंग अ कॉल. जी बिल्कुल लेंगे. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. बताइए आपका सवाल क्या है. हेलो, ओके, आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गया. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. या हाय, नमस्ते रेवा जी, दिस इज प्रीति. नमस्ते जी. हेलो जी, हाँ बताइए. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ कर रहे हो. आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है. सो अभी आई आपकी आवाज. जी हाँ बताइए. हाँ जी रेवा जी, एक क्वेश्चन था मेरे पास. ईस्ट में मैं बर्ड्स को चावल डालती हूँ. मेरा पैचर जो है वो ईस्ट में है. जी, सो आई थिंक मैंने सुना था कि ईस्ट में इट्स नॉट गुड. जी, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक. जी बिल्कुल, ईस्ट में कभी भी बर्ड्स को नहीं डालना. बर्ड्स का डालने की जगह है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि बर्ड्स जो फीड कर रहे हैं इट मींस कि वो उड़ रही हैं. हमने अपनी टेंशन को खत्म करना है या कभी किसी के ऊपर में पैसा कर्जा चढ़ा हो तो उसको दूर करना है. तो नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन. अगर आप नॉर्थ वेस्ट ओके. अगर आपको ईस्ट में पैटियो आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में तो कुछ है ही नहीं. अगर आपको नॉर्थ, मैं काफी टाइम से उनको खिला रही थी तो आई हर्ड, तो अभी थोड़ा बंद करना थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा. सो एनी आप थोड़ा बाहर आई कैन डू. जी वहाँ पे नहीं कर सकते. अगर आपको लगता है कि नॉर्थ वेस्ट में कोई बाहर की विंडो आ रही है, वहाँ पे छोटा सा बर्ड फीडर हैंग कर लीजिए जिसमें आप बर्ड फूड डाल के वहाँ पे दोबारा उसको हैंग कर सकती हैं. नहीं तो आपको अपने उस जगह से बाहर कोई जगह मिलेगी, आप वहाँ पे फीड करिए. लेकिन घर के कभी भी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बर्ड्स को फीड मत करें. ओके ओके रेवा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. बताइए आपका सवाल क्या है. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, आपका सवाल. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे घर में तुलसी का पौधा है, वो बाहर निकलने लेफ्ट साइड में रखना चाहिए या राइट साइड में रखना चाहिए. तुलसी का पौधा हमेशा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखना चाहिए. तो अब आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप रख सकते हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, बाकी और कहीं नहीं रखें. नहीं लेकिन वो मेरा जो है वो ईशान कौन बोलते हैं वहाँ पे वो मेरा मेन डोर वहाँ से है. हाँ जी, तो आप जैसे कि अपने घर के ईशान कोण पे खड़े हुए हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ रख सकते हैं. तो घर से बाहर निकले उस टाइम पर लेफ्ट साइड पर रखना. हाँ है या राइट साइड. लेफ्ट में रखने का. अच्छा, और दूसरा सॉरी वो मनी प्लांट है वो भी बाहर में राइट से या लेफ्ट में रखे. मनी प्लांट आप घर के अंदर की तरफ रखिए, राइट में. जैसे आप घर के अंदर आ रहे हैं तो राइट या लेफ्ट में कहीं भी रखें, उसको घर के अंदर रखें. उसको घर के अंदर रखे, मनी प्लांट को बाहर नहीं रख सकते. जी नहीं. अच्छा ठीक है, नमस्ते. नमस्ते जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. बताइए आपका सवाल क्या है. हेलो रेवा जी, मैं मधु बोल रही हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा था ना कि गणपति जी का विसर्जन करने के लिए बताया था कि उनको सारे घर में घुमाओ ताकि उनको बताओ कि इनको वापस यहीं आना है. तो मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैं तो फिर वापस मैं सब कर लूँगी अपार्टमेंट में, क्या करूँ. आप अपार्टमेंट भी कर सकती हैं, घर तो घर ही है ना जी. चाहे अपार्टमेंट है, चाहे बड़ा घर है, चाहे छोटा घर है. नहीं, जो घर में आपने बोला ना कि घर में घुमाओ तो वापस उनको बोलो यही आना है, तो वो वापस अपार्टमेंट में आ जाएंगे तो मैं अपार्टमेंट में ही रहूंगी. तो मतलब कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रही हैं तो वो अपार्टमेंट में आएंगे, आप घर में रहेंगे तो अपने घर में आएंगे. आप ये बोल दीजिए कि गणपति बाबा अगले बरस मुझे अपना नया घर दो जिस घर में मेरे पास आओ. आप ये बोलिए.
अच्छा, नया घर दो और उस नए घर में हो, अपार्टमेंट में मत आना। हाँ जी, नहीं ये नहीं बोलो मत आना, बोलो कि गणपति बाबा मुझे मेरा अपने आप मुझे अपना और मेरा घर दो जिसमें आप मेरे पास में आओ। तो आप जहाँ रहेंगे भाई ये मत बोला करो कि नहीं आना, उन्हें ये मत बोलिए, क्योंकि भगवान ने जब आपका लेखा लिखा है आपको घर देने का, वही घर आपको तभी मिलेगा। तो डोंट से कि नहीं आना, उन्हें बोलिए कि जैसे भी आए आप अपने स्थान पे अपने घर में आए, जहाँ पे भी आप मुझे रखें आप वहाँ जरूर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, बताइए आपका सवाल क्या है। हाँ जी रेवा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा बनाना चाह रही हूँ, उसके लिए क्या मैं कर सकती हूँ? बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है या कुछ है? अगर आपके घर के आंगन में नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाइए या ईस्ट की तरफ, कहीं पे बैक यार्ड में साउथ अगर आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है तो बिल्कुल नहीं बनाएं। हाँ अगर हाँ, आप क्योंकि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है तो बहुत अच्छा है, नॉर्थ फेसिंग है तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ मत बनाइएगा। पीछे नहीं कर सकते, बैक यार्ड सामने बना सकते। हाँ जी सामने भी कोई बना सकती हैं आप। Okay. और मैं इसके साथ में अपने सभी लिसनर्स को एक बात और भी बताना चाहती हूँ। वैसे तो अभी कार्तिक का महीना और एक महीने बाद आएगा दिवाली का समय, जहाँ पे हम तुलसी की पूजा करते हैं। सभी लिसनर्स के लिए है, तुलसी को आप मंडे से लेकर सैटरडे तक तुलसी पे जल भी चढ़ा सकते हैं, तुलसी के पास दीपक भी रख सकते हैं, लेकिन संडे को ना तो तुलसी को तोड़ते हैं, ना हाथ लगाते हैं, ना जल चढ़ाते हैं, ना ही दीपक रखते हैं। संडे कभी भी नहीं करिए, आपके ऊपर में उल्टा उसका परिणाम मिलेगा। अगर आपको संडे किसी और ना ही कभी तुलसी को संडे को मुंह में डालते हैं आपको, अगर तुलसी कभी भी खानी है तो दांतों के नीचे कभी मत चबाइए, तुलसी को पत्ता लीजिए, इजाजत लीजिए तुलसी का पत्ता तोड़ते वक्त, और उसको आप मुंह में रखिए, एक निगलने की कोशिश कीजिए, लेकिन दांतों के साथ कभी मत चबाइए। थैंक यू। तुलसी चौरा के लिए कुछ ऐसे नियम नहीं है, हम खुद लाइट कोई भी कर सकते हैं या? हाँ जी अभी लेके बना सकते हैं, लेकिन अभी मत बनवाइएगा, शराद चल रहे हैं, शराद के बाद में आ रहे हैं, या कार्तिक का महीना सबसे बढ़िया, जब दीपक की तैयारी करेंगे, कार्तिक दीपक जलाएंगे, दान करेंगे, वो भी आप रख सकती हैं। हाँ जी थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, अपना रेडियो बैकग्राउंड में बंद कर दीजिए। या ये मुझे ये पूछना है जी कि अगर वो डिफिकल्टीज हो हर काम करने में, इंक्लूडिंग जॉब सर्च या कोई भी काम करना हो तो उसमें डिफिकल्टीज रुकावटें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई उसकी रेमेडी या उपाय है? जी बिल्कुल, अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी काम के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, काम आपका हो नहीं रहा, तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारे घर का दरवाजा किधर फेस कर रहा है। अगर कहीं साउथ या साउथ वेस्ट में फेस कर रहा हो या साउथ ईस्ट में, तो काम रुक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। लेकिन हर काम को एक देने के लिए, उसके लिए मैं अगर आप शो के बाद भी बात करेंगे या ईमेल करेंगे तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ, एक रेमेडी भी देती हूँ, आप वो करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे कोई भी जैसे काम चलते चलते रुक जाते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। या एक सिंपल रेमेडी बहुत ही है, काफी पुरानी है, हमारे बे एरिया क्या जगह जगह जहां भी लोग सुनते हैं उसको करके उनका फायदा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं कि आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं या कोई कन्वर्सेशन है या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो उससे पहले एक शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें 8 चम्मच उसमें पानी भरकर 8 चम्मच माफी मांगती हूँ, एक शीशे का ग्लास लीजिए, पानी भर के उसमें 2 चम्मच नमक डाल के, और उसको पानी में जो भी आप अपने काम के बारे सोच रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, उस पानी को आप टॉयलेट में डाल के फ्लश चला दीजिए। ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद पानी का ग्लास धोइए, उसमें फ्रेश वाटर डाल के उसमें 8 चम्मच शुगर के, चीनी के डाल के अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए और अपने काम की शुरुआत करके देखिए। अगर आपको 48 घंटे में उसका काम का रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाता है तो पानी को घर के बाहर नॉर्थ में डालिए। मीठा वाला पानी कभी भी टॉयलेट में आपको नहीं डालना, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जी, उसको ग्लास में रखना है मीठा वाला पानी जो है, जब तक काम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसके बाद उसको डालना है। हाँ जी डालना है, 4 दिन तक रख सकते हैं, और उसके बाद में आपको डालना है, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और अगर कोई और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो उसके लिए मैं उससे रिलेटेड डेज के हिसाब से, उसकी पोजिशन के हिसाब से, डायरेक्शन जैसे आपका घर का फेस कर रहा हो उसके हिसाब से भी रेमेडी बताती हूँ। तो जब चाहें आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, बताइए आपका सवाल क्या है। हाय, गुड आफ्टरनून रेवा जी। गुड आफ्टरनून डियर।
मुझे वैसे खास कुछ वास्तु शास्त्र में ही नहीं है, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोई भी कॉलर कॉल कर रहा है आपको जी. आप जब उनको आंसर बता रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन कि उसको क्या रीजंस हो सकते हैं ऐसे करने से और हाउ डज इट गो. बहुत अच्छा आपने कहा, जरूर डेफिनेटली आई विल टेक केयर और मैं जरूर बताऊंगी. आपने बहुत अच्छी सलाह दी और मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ. ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, प्लीज रेडियो बैकग्राउंड में बंद कर लीजिए. हेलो रेवा जी, मैं पायल बोल रही हूँ. जी पायल जी बताइए. हाँ तो रेवा जी, मुझे पूछना था कि बच्चों के कमरे कौन सी दिशा में होने चाहिए, स्पेशली मतलब गर्ल और बॉय का कुछ डिफरेंस होता है कि कहीं पे भी रख. जी हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं. अगर जैसे कि अभी हमारे से बात कर रहे थे कि मेरे को ये भी आप सबको बताना चाहिए कि अगर हम इसका उपाय नहीं करें तो हमें कैसे नुकसान है, या अगर हम करते हैं तो इसका क्या फायदा हो सकता है. बहुत ही अच्छी उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी एंड इट इज़ गुड. तो इसके लिए आपको बच्चों के लिए अगर साउथ वेस्ट में, अगर नहीं वैसे ही अर्थ एलिमेंट है, पेरेंट्स अगर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो राइट साइड में हमेशा हमारे डायरेक्शन के साउथ आता है. जब बेटा अगर साउथ में सोता है तो वो पेरेंट्स की एक सपोर्ट देता है पेरेंट्स को, और उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. और वेस्ट में अगर बेटी सोती है, साउथ वेस्ट का जब वेस्ट आएगा लेफ्ट साइड में बेटी सोती है तो एक तीनों में एक अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती है. इसके साथ में अगर आप कभी सोचते हैं कि साउथ में हमारे पास जगह नहीं है या हमारे पास में वेस्ट में जगह नहीं है, तब हम नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं आपको आता है तो वो बेडरूम आप बॉयज को दे सकते हैं और ईस्ट में आप बच्चों को दे सकते हैं गर्ल्स को. ईस्ट में अगर हमारा बेडरूम होता है तो ईस्ट की तरफ सर करके सोने से हमारे को जो सूरज की सुबह पहली रोशनी होती है वो ईस्ट से निकलती है, वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देती है और आप उस चीज को पूरा अच्छा बच्चों को फायदा देता है. जनरल होता है मैं कहती हूँ कि साउथ की तरफ सर करके सोइए या वेस्ट में, लेकिन बच्चों के लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ वाइल्ड स्लीपिंग द हेड शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ सर होना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स मिल रही है वो उनको प्रॉपर एनर्जी दे ताकि वो अच्छा से अच्छा कंसंट्रेशन कर सके और उनकी बुद्धि सही रहे. तो नॉर्थ ईस्ट बॉयज को दीजिए या साउथ दीजिए, या गर्ल्स को दीजिए ईस्ट या वेस्ट दीजिए, लेकिन कभी भी साउथ ईस्ट मास्टर बेडरूम या साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम नहीं दे. अगर आपके बच्चे साउथ ईस्ट में सोते हैं बेडरूम में तो वो फायर एलिमेंट मिलेगा, बच्चों को नेगेटिविटी देगा, बच्चे ज्यादा आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव हो जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे फायर एलिमेंट की वजह से. और कई बार हमारे घर में बेटी का कमरा साउथ ईस्ट में ही है, सब बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. अब क्या एज है बच्ची की? 17 months. कितनी कह रहे? 17 है. अब साउथ ईस्ट में है, अगर साउथ ईस्ट में अब टीन एज का बच्चा सो रहा है तो उसका एक 17 महीने की है. 17 अभी तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है जी, अभी तो बच्चा ही बहुत छोटा है. तो बेटर है कि आगे थोड़ा सा बड़ा हो, उसको साल दो साल के बाद में उसको मत सुलाइए. एक तो साउथ ईस्ट में सोने से उसकी तबीयत थोड़ी ढीली रहेगी, बच्चा बड़ा होगा तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा फायर एलिमेंट करके, साथ ही साथ में बच्चे गलत एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, तो उनको उधर में मत सुलाइए और ना ही साउथ वेस्ट में. साउथ वेस्ट में मैंने छोटे से छोटे बच्चे देखे हैं समन, अगर वो पेरेंट्स के साथ साउथ वेस्ट में सोते हैं तो बहुत अग्रेसिव होते हैं, डिमांडिंग मतलब डोमिनेटिंग करनी शुरू हो जाती है उनकी नेचर. तो बेस्ट उनके लिए है आप ईस्ट में सुलाएं, नॉर्थ ईस्ट में सुलाएं, वेस्ट में या साउथ में, दीज आर द बेस्ट डायरेक्शन. अच्छा, और बेटे का कमरा ईस्ट में? ईस्ट में चलेगा बिल्कुल, साउथ ईस्ट बिल्कुल नहीं देंगे. जी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. लिसनर्स, अगर आपका कोई सवाल है तो रेवा जी से आप बात कर सकते हैं 5107701550 पे कॉल करके, जो हमारा स्टूडियो नंबर है, या फिर अगर आप रेवा जी से बाद में बात करना चाहते हैं तो 5108683338 उनका नंबर है, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं. उनका वेबसाइट है divinevastu.net, उस पर लॉग ऑन करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. उनका ऑफिस फ्रीमॉन्ट में है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. या हेलो जी, हाँ बताएं. या मुझे ना एक क्वेश्चन पूछने का था. समबड़ी टोल्ड लाइक मैं इनके घर पे गई थी कि उन लोग क्या करते हैं कि एक ग्लास में थोड़ा लेके मे बी फिल हाफ कप और 3/4 एंड दे पुट लेमन पीसेस इन इट एंड लाइक दैट टेक्स अवे द नेगेटिविटी ऑफ द हाउस.
देखिए ये बिल्कुल आपने कहा है कि ये होता है, लेकिन इसको आप 7 डेज नहीं कर सकते हैं। ये उस तरह की नेगेटिविटी होती है, अगर आप क्लास में लेमन को काट के रख देंगे, नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर कोई ना कोई बीमारी रख दी और इसको सैटर्न के दिन मतलब कि शनि के दिन में इसको कर सकें कि अनचाहे झगड़ा हो रहा है, और खासकर वो देखते हैं कि मंगलवार और शनिवार इन दिनों में कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है या झगड़ा हो रहा है या कई बार एक्सीडेंट हो रहा है, पर्टिकुलर इन दोज ट्यू डेज, उस समय के लिए जरूर हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप पानी के ग्लास में नींबू को काट के रख दीजिए, वो वहां की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन फिर जो वो पानी है उसको अगले दिन आप घर से बाहर फ्लश कर दीजिए, उसको वाटर सिंक में डाल दीजिए और नींबू को ट्रैच कर दीजिए। हाँ, तो मतलब वो बोल रही थी कि वो एवरी सैटरडे रखती है और फिर वो ट्यूसडे को फेंक के चेंज करती है, फिर वो ट्यूसडे का सैटरडे को करती है, मतलब जी हाँ, मतलब कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात, लेकिन वो उन्हीं चीजों के लिए है जहाँ पर आपको मैंने बताया कि भगवान नहीं करे कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ घर में ऐसा कलेश है कि पर्टिकुलर इन दो दिनों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए ये जरूर कर सकती हैं। या उनको उनके फैमिली में काफी के हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े रहते हैं और थोड़ा यू नो जॉब के लिए और उनका क्योंकि किन्ने उन लोगों को बोला कि उनका क्या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो इज दैट अ रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट? नॉट एट ऑल, जी नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए बिल्कुल भी रेमेडी नहीं है, दैट इज अ स्ट्रक्चर। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट लॉट कटा हुआ है तो उसको आपको वहां के हिसाब से ठीक करना है, उसमें ये आपके लेमन या वाटर की नेगेटिविटी आपको कहीं हेल्प नहीं करेगी। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो आपको जो उससे रिलेटेड है मेडिसिन ट्रीटमेंट वही चाहिए, आपको है अगर स्टोन है हमारे गॉल ब्लैडर में तो स्टोन को ठीक करना है, स्टोन को रिमूव करना है, ना कि मेरे को आपको सर दर्द की दवाई देनी है, तो ये अलग चीज है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है एंड शी इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम दैट, इट्स रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट आपका कटा है स्ट्रक्चर वास्तु को उसको ठीक करने के लिए आपको 90 डिग्री एंगल देना बहुत जरूरी है। अच्छा, उनको तो उनका अगर वो 90 डिग्री वो एंगल ये हम लोग ने करवाया है, लाइक वो थोड़ा अपने घर के स्ट्रक्चर जो है आगे से ऐसा फेंस बना दिया है, दैट कंसिडर्ड एक्सटेंडेड? हाँ, उसको अगर वो पूरा चारों कॉर्नर को पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले को जहाँ से मिसिंग है रिप्लेस्ड है कटा हुआ है वहाँ से लेके वो ईस्ट से या साउथ ईस्ट तक वो पूरी फेंसिंग देती है 90 डिग्री की और चांदी की तार पूरी जमीन पर बिछाती है तो काफी उनको हेल्प करेगा। अच्छा, चांदी की तार, व्हाट इज दैट? सिल्वर वायर जो होती है, ओरिजिनल सिल्वर वायर ज्वेलर से मिल जाती है, उसको जमीन पे काट के जमीन के अंदर दबाना होता है पूरा का पूरा। अच्छा, आप हाउ फार डू यू गो टू विजिट होम? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओ ओके, क्योंकि ये मेडेस्टो में रहते हैं। जी हाँ, तो इनके लिए पूछ रही थी कि अगर आप जा सकते हैं। जी, तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ, मैंने आपसे बताया उसके लिए आपको स्केड्यूल करना होगा, कॉल कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली। हाँ, पर अभी हम लोग ने जो फेंस बनाई है वो ठीक है, बट मे बी एक आप बार वो सोच रहे हैं कि उसे चेकअप कराए, तो क्योंकि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है तो मैं उनको बोल सकती हूँ, बट इन द मीन टाइम अगर वो वायर डाले तो कितनी लेंथ की होनी चाहिए? मैंने आपसे बताया ना कि वायर डलेगी, लेकिन कहाँ से कितना कटा हुआ है, ऐसे ना हो कि वो एक कॉर्नर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम कर दें या दूसरे को बढ़ाएं तो उसको कम कर दें, उसको मैं देख के बिना या कंसल्ट किए बिना नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। जी हाँ, मेरा नंबर है 510-868-3338। ओके, बट ये कर सकती है वॉट एवर शी इज डूइंग द लेमन फॉर सम टाइम, इट्स ओके। लेमन मैंने आपसे बता दिया कि हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज है उसके लिए जरूर कर सकती हैं जो सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे के लिए काम करता है, बाकी अगर वो चीजें हैं तो उसको आउटर जो स्ट्रक्चर है कोई भी कॉर्नर अगर एक्सटेंडेड होगा या कुछ होगा उसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स पिरामिडोलॉजी एंड विद द मेटल्स इट कैन बी रेक्टिफाई, अदरवाइज नहीं। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, बताइए आपका सवाल क्या है। नमस्ते जी। नमस्ते रेवा जी, ने बताया था 2-3 हफ्ता हुआ है ना कि जब साउथ फायर प्लेस है। जी, एक बार सवाल, साउथ ईस्ट जो फायर प्लेस है ना, जी उसके ऊपर बैठा हुआ एलिफेंट रखे कि गणपति? साउथ ईस्ट पे जहाँ फायरप्लेस है वहाँ पे गणपति नहीं रख सकते हैं, उसके ऊपर में वहाँ नहीं रख सकते हैं गणपति, तो उसके बैठा हुआ एलिफेंट रखना पड़ेगा। हाँ जी, बैठा हुआ एलिफेंट रख सकते हैं उसके ऊपर, साउथ ईस्ट के साइड। हाँ जी जी,
फायर प्लेस पे जी। साउथ वेस्ट देखिए अलग है, साउथ ईस्ट अलग है। आप पहले ये देखें कि आप कहाँ के बारे जानना चाहते हैं। डोंट मिक्स साउथ हाँ जी साउथ साउथ वेस्ट फेसिंग है। हाँ जी देखिए तभी मैंने बोला ना अभी आप साउथ ईस्ट कह रहे थे अब साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में फायर प्लेस है तो वहां पर उस फायर प्लेस को यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम चाहें तो गणपति जी को वहां पे बिठा सकते हैं बैठे हुए गणपति जी। अच्छा लेकिन साउथ ईस्ट में अगर हो तो नहीं रख सकते। साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, वहाँ पे फायर प्लेस होगी तो घर के मेल मेंबर को कोई ना कोई नुकसान देगी। अगर वहाँ पे हम गणपति जी बिठाएंगे एक तो साउथ वेस्ट की नेगेटिविटी को खत्म करेगा और प्रॉपर्टी को एलिवेट भी करेगा ताकि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी घर में रहे और घर के मेंबर्स को ग्रोथ मिले। उसको यूज ना करें रेवा जी, फायर प्लेस को नहीं मैं रिकमेंड करूंगी साउथ वेस्ट को यूज करने के लिए। ओके थैंक यू जी, जय माता दी। अगर आपका कोई भी सवाल है एंड इफ यू वांट टू टॉक टू रेवा जी आप कॉल कर सकते हैं 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर। रेवा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेवा जी से अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आफ्टर द शो तो उनका फोन नंबर है 5108683338। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। रेवा जी ने खुद बताया कि शी कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड अगर आपको अपने घर पे उनका विजिट करवाना है। आप divinevastu.net जो उनकी वेबसाइट है उस पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं। और एक बार और नंबर है 5108683338। हेलो यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, बताइए आपका सवाल क्या है। Hello Reva ji, my name is Mudita. First of all, I wanted to thank you especially the information you gave to the listeners about Tulsi Mata. Thank and you. And this is very extremely important information. Tulsi ji. Thank you. Some people abuse Tulsi ji, so that's really nice. Thank you. Dear. Secondly, I own a land here in Mission Hills near Hayward, and my project is getting delayed about the construction. So I really wanted to know what can I really do on the land, and honestly, I don't know about the direction. See, for that, it's my advice to you. If you can email me that land floor plan, so definitely I'll make one thing and I don't charge anything for that. I'll give it to you. Just dig it over there. So immediately you will start whatever the construction that will start immediately. All right. I appreciate that. Also, can you please on the air, can you please let me know your email address and I'll give you the email. My email ID is Divine AVC, Divine DIVINE. AVC, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, @gmail.com. Alright, thank you. You're welcome. Thank you so my pleasure. Thank you. थैंक यू लिसनर्स। 5107701550 स्टूडियो का नंबर है एंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा जी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। आपका कोई भी सवाल है वास्तु से रिलेटेड फील फ्री टू कॉल अस ऑन 5107701550। जी हाँ, अब आपको जो मैं साउथ वेस्ट के लिए मैं उसको जरूर मैं पूरा करना चाहूंगी, मैं जरूर लिसनर्स को बताना चाहूंगी। साउथ वेस्ट में हमेशा जब भी बेडरूम हो तो आप साउथ की तरफ सर करके सोएं या वेस्ट की तरफ, लेकिन आपके सर के पीछे कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे जो पांव हैं वो बिल्कुल दरवाजे की तरफ फेस करें। ट्राई टू डीक्लटर योर रूम। कई बार मैं देखती हूँ कि बेडरूम में खूब खचखच हो रहा है कि सुबह आप जल्दी भागने की हैं तो बेडशीट कहीं अरेंज नहीं है, बेड कहीं कंफर्ट से अरेंज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ये आपको और गुस्सा देगा क्योंकि जहां पे घर में क्लटर होगा वो आप दिन में थके हुए आएंगे आकर देखेंगे तो नेचुरली वो आपको और फ्रस्ट्रेशन देगा। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हम एटलीस्ट अपना जल्दी से जितना भी प्रॉपर रूम सेटअप कर सकते हैं करें, लेकिन बेडरूम में मिरर बिल्कुल मत लगाइए। अगर आप मिरर रखना भी चाहते हैं तो इट शुड बी ऑन द नॉर्थ और ईस्ट वॉल, बट योर बॉडी शुड नेवर रिफ्लेक्ट इन मिरर व्हाइल स्लीपिंग, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहेंगे। मेटल का बेडरूम का बेड कभी भी यूज नहीं करें साउथ वेस्ट में, और साथ ही साथ जो मैट्रेस होता है वो कभी डिवाइडर नहीं हो, मतलब कि जो सिंगल सिंगल मैट्रेस करके यूज करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा एक डबल बेड का मैट्रेस जो एक पूरा सिंगल पीस होना चाहिए इसको डिवाइडर में नहीं करें, मतलब डिफरेंट आप कह सकते हैं कि अलग अलग पीसेज जैसे टू पीसेज हैं आप वो रख रहे हैं वैसा नहीं हो। अगर हमारा मेटल का बेड होता है तो हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक एनर्जी है, तो मेटल के बेड में जो इनसे हमारे को और हेल्थ इश्यूज आएंगे, हमारे को रिपल्शन आएगी, गुस्सा आएगा, तो उसको आपको अवॉइड करना है स्पेशली फॉर द साउथ वेस्ट। अगर आप साउथ वेस्ट आपका बेडरूम है
दैट इज द परफेक्ट एज वास्तु प्रिंसिपल. साउथ वेस्ट के अगर आप बेडरूम में, अगर आप साउथ की तरफ अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के एक पिक्चर रखते हैं तो दैट इज द बेस्ट टू इन्हेंस योर पर्सनल लाइफ. लेकिन मास्टर बेडरूम में, अपने बेडरूम में कभी भी आप राधा कृष्णा की या गणपति जी को कभी नहीं रखें, नहीं तो आपस में कहीं ना कहीं आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा, कहीं ना कहीं आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं. बेडरूम में कभी भी वाटर सीनरी मत दीजिए. अगर आप बेडरूम में वाटर सीनरी लगाते हैं या फिश एक्वेरियम रखते हैं, या अगर आप वहां से आप कह सकते हैं कि छोटा वाटर फाउंटेन रखते हैं, तो वहां पे भी पर्सनल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के ट्रस्ट को आप तोड़ेंगे, या कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी बाहर कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, या किसी थर्ड सेकेंड वुमेन की वजह से आपके घर में स्ट्रेस आ रहा है, तो दैट यू कैन अवॉइड इट. साथ बेडरूम में कहीं पे भी ब्लैक कलर, रेड कलर बिल्कुल मत लेकर आइए. वो भी आपको ज्यादा टेम्परामेंट लेकर आएगा, पर्सनल रिलेशन को ज्यादा हार्म करेगा. वहां पर आप अगर अपने साउथ वेस्ट की वॉल के ऊपर में पर्टिकुलर वॉक पे डार्क पिंक कलर को अगर आप एक दे देते हैं, एक्सिंग वॉल बनाते हैं, बाकी को बेज कलर देते हैं, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में एक हार्मनी लेकर आने में हेल्प करता है. ऑलराइट, रिवर जी एक कॉल आ रहा है. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी, बताइए आपका सवाल. या हाय, मुझे ना पूछने का था कि आई हैव फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि मेरे घर में ना क्लटर बहुत जल्दी जमा हो जाता है. इतना भी सफाई करती हूँ, घर घर की कहानी है. तो इसे सम के यू नो, मेरी बहन बोलती है मे बी तेरे घर में कोई वास्तु दोष है, और एनीथिंग आई कैन डू, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि क्लटर निकालना. आपसे मैं बताऊँ, आपसे मैं एक बार बताऊँ, अगर आपके घर में क्लटर है तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है. दुनिया का कोई भी वास्तु स्पेशलिस्ट आ जाए, जब तक क्लटर नहीं हटेगा आपका घर ठीक नहीं हो सकता. कोई भी प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, अगर क्लटर नहीं है तो वास्तु कहीं नहीं टिकता, कोई वास्तु काम नहीं करेगा. आप उसको क्लटर को खुद ऑर्गेनाइज करिए, ये आप ही करेंगे, इसमें मैं भी कहीं मदद नहीं कर पाऊंगी. हाँ, अगर आपके घर में कहीं आपने स्टोरेज स्पेस बनाई है और साउथ वेस्ट में रखी है, तो वो क्लटर आपका बढ़ता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा. अगर कहीं पे हम टूटी चेयर्स रख देते हैं कि वो क्लटर है, दिस इज डेड, इट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग इट. वॉट इज क्लटर? जिसके बीच में जान नहीं है, तो हमने उसको काय के लिए रखना है. कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग भी कि भगवान नहीं करे किसी की डेथ होती है, तो एक समय तक हम उस डेड बॉडी को घर पे रखते हैं. ये नहीं कि वो क्लटर है, जी नहीं, बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग, अब उसमें जान नहीं है. उसी तरह से जो चीजें हमारे काम में नहीं आ रही हैं, तो आपको उसको घर से बाहर रखनी ही करनी है. मान लेती हूँ कि कई बार हो जाता है कि नहीं, ये मेरे इमोशनल, मैं इसे अटैच हूँ, मेरे 25 साल 30 साल 50 साल पहले मेरे फादर ने दी, मेरे ग्रैंडफादर ने दी, मेरी मॉम ने दी, मेरे हस्बैंड ने दिया, मेरे इसने दिया. मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या वो चीज़ हमारी यूज हो रही है? अगर आप घड़ी हैं, आज घड़ी आपको 50 साल पहले आपके दहेज में आई और वो घड़ी आज बिल्कुल बंद है, जिसके ऊपर सेल भी नहीं जा सकता, बैटरी भी नहीं जा सकता, वो आपको आज ज्यादा नुकसान देगी जो वो अपने लिए है. तो आपको या तो उसमें बैटरी डलवाइए, सेल्स डलवाइए, क्योंकि वक्त चलता रहना चाहिए, नहीं तो वही आपको नुकसान देगी. तो क्लटर के लिए आपको खुद ऑर्गेनाइज करना है. अभी रिसेंटली मैं एक जगह विजिट पे थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत ही अच्छी फैमिली है वो, लेकिन उस घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है जो बहुत सीरियस है. रीजन क्या था? क्योंकि घर सुंदर है, सब घर का बहुत ही अच्छा उन्होंने मैनेज करके रखा होता, लेकिन रीजन वॉज दैट कि उनके बाहर जो घर के पीछे उन्होंने कुर्सियां रखी हुई थी, टूटी हुई रखी हुई थी. अगर आपके घर में कोई चेयर टूटी है कुछ है, तो इट मीन्स कि आपकी पोजीशंस को वो हिला रही है, या तो वो आपको एक्सीडेंट दे देगी या चोट लगेगी. आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके जरिए बाकी सभी लिसनर्स को भी, कि कभी लाइट्स फ्यूज हो जाती हैं, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, या ताले लॉक होते हैं, जंक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, और आप उसको घर में रखे बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आते हैं. तो माय डियर, इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू यू, इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट पॉजिटिव एनर्जी, इफ यू रियली वॉन्ट ग्रोथ इन योर लाइफ, Try to declutter your home. This is the first mantra of Vastu. If you cannot declutter your home, no Vastu, no specialist, nothing can help you. Okay. All right. और also कि अगर घर में ना थोड़ा plumbing ज़्यादा खराब होती है या electric. हाँ,
उसका इलेक्ट्रॉनिक यू शुड थ्रो अवे राइट इफ दे डोंट वर्क. अगर आपकी प्लम्बिंग की पोजीशन आ रही है उसी की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो प्लम्बिंग का जिस दिन आप काम शुरू करें उसके लिए आप मेरे से करने से पहले एक टिप जरूर लीजिए, बाकी लिसनर्स के लिए भी है, कि अगर कभी भी हम प्लम्बिंग की छेड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वास्तु अर्थ को जमीन को छेड़ रहे हैं. तो वहां पर आपको हमेशा सबसे पहले एक कैंडल जलानी चाहिए और दो दाने चीनी के ऑफर करके चाहे एक मिनट के लिए जलाएं, फिर आप प्लम्बिंग का काम शुरू करिए. उससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं खराब होंगी, नहीं तो जहां प्लम्बिंग की पोजीशन आई वहीं साथ साथ पता चलता है कि बड़े बड़े हीरे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. तो यू हैव टू सी कि क्या हमारी जो प्लम्बिंग आ रही है वो हमारे फायर एरिया को डिस्टर्ब कर रही है, या जो फायर एरिया है क्या वो वाटर एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है. तो वी हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी. लिसनर्स, एक तराजू है, आप उस तराजू को अगर पकड़ के खड़े हैं तो आपको उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दोनों पलवों का भार रखना होगा, एक को रख के ही आप नहीं बढ़ सकते. तो अगर कहीं आपकी प्लम्बिंग या इसकी कहीं प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इट मींस कि जो प्लम्बिंग और फायर एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो एक दूसरे की जो रेज है वो गलत डायरेक्शन से झेल रही है, जिसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू. ऑल राइट, माय प्लेजर. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन लिसनर्स. अभी भी 5 मिनट हमारे पास है. रेवा जी हमारे साथ 4 बजे तक जुड़ी हुई है. आपका कोई भी सवाल है वास्तु से रिलेटेड, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, 5107701550 स्टूडियो का नंबर है, 5107701550 रेवा जी को कॉल करिए. आपका कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप शेयर करिए. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, बताइए आपका सवाल क्या है. हाय रेवा जी, मैं भगवती बात कर रही हूँ. गुड आफ्टरनून. जय सियाराम. अभी साउथ वेस्ट में आप कह रहे थे कि फायर प्लेस में गणपति जी का अगर वहाँ पीछे रखो तो इट्स ओके. आप फायर प्लेस को यूज नहीं करेंगे बस. हाँ, यूज नहीं करते हैं, बट इट्स देयर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होम ना. हाँ जी, रख सकते हैं आप उसके ऊपर में गणपति रखें. डायगनली रखिए गणपति जी को, और वो मेटल के गणपति बिल्कुल नहीं रखिएगा, लकड़ी का रखें, सेरामिक का रखें और मिट्टी का रखें, लेकिन डायगनली रखें कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें. जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें. हाँ जी, बैठे हैं वो साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें. थैंक यू. इट्स माय प्लेजर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. तो समन, मैं कुछ लिसनर्स अपने जितने भी हमारे जब ये गणपति उत्सव हुआ था, मैंने आपसे बताया दैट वाज मोर देन 40,000 पीपल थे, तो वहां पर डिवाइन वास्तु का भी बूथ था. और 3 दिन में स्पेशल फ्राइडे सैटरडे संडे 182 कंसल्टेशंस वी हैव डन. वाओ, अमेजिंग. 182 कंसल्टेशन हमने करी थी. दैट वॉज अ फ्री कंसल्टेंसी वी हैव डन, एंड दे वी प्लेड द रेफल ऑल्सो, कि जितने भी हमारे लोग आए थे उन्होंने वहां पर अपना रेफल किया, प्ले किया. उस रेफल के बीच में जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था, एंड दैट वॉज अ ग्रेट लेडी, और उनको टीवी दिया गया, जो प्रेजेंटेशन में हमने बड़ा टीवी रखा हुआ था वो टीवी दी गया. तो मैं अपने तीनों जितने भी विनर्स थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. पहले विनर को फर्स्ट टीवी था, सेकेंड विनर को जिसको यंग एक्सप्लोरर स्कूल की तरफ 500 का कूपन दिया गया फॉर द एजुकेशन, और थर्ड विनर थी जिसको हमने पर्स बैग दिया श्री दुर्गा को. तो उनको, बाकी दो विनर्स को तो अपना प्राइज मिल गया, जो थर्ड है उनको मैं मेल कर रही हूँ उसका हैंडबैग. तो डिवाइन वास्तु की तरफ से हमारे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, प्लस विनर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. साथ ही साथ जिन्होंने भी हमारे साथ कंसल्टेंसी करी थी, आप सबने ईमेल्स हैं आपकी मेरे पास में सब हैं, और फ्री कंसल्टेंसी में आए, जबकि मैंने अनाउंस तो ये किया था जो पहले 10 होंगे, लेकिन इतना क्राउड था कि मेरे को सबको अटेंड करना ही पड़ा, और मैं ना नहीं कर सकी कि किसी को भी. बट इट वॉज रियली अमेजिंग, एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. और साथ आप सभी को है कि आपकी ईमेल है, और अगर अब आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे स्केड्यूल करके दोबारा मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं. इफ यू वॉन्ट टू रेक्टिफाई दोज वास्तु दोष, योर गाइज आर मोस्ट वेलकम. इट्स माई प्लेजर. और आप सबका शुक्रिया. उम्मीद है कि इसी तरह बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे. बिल्कुल रेवा जी हमारे साथ हर थर्सडे को जुड़ेंगी 3 से 4 के बीच में. थैंक यू सो मच रेवा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर अनदर वंडरफुल शो. अगर आप लोगों का कोई भी सवाल, अभी भी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, आप रेवा जी को कॉल करके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं. 5108683338 इज द नंबर टू कॉल टू बुक एन अपॉइंटमेंट. रेवा जी ने बताया है कि शी कैन ट्रैवल जहां भी आपका घर हो, शी इज विलिंग टू कम एंड लुक फॉर द वास्तु फॉल्ट्स दैट माइट बी देयर. और वास्तु रेक्टिफिकेशन हो या आपको आपके घर की हार्मनी, वेल्थ, हेल्थ,
किसी भी चीज के लिए वास्तु को रेक्टिफाई करवाना है, चेक करवाना है, तो आप रेवा जी को कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. divinevastu.net उनका जो वेबसाइट है, आप वहां जा सकते हैं. आपको वास्तु के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, रेवा जी के बारे में बहुत सारी बातें मिल जाएंगी. आप अगर ऑफिस जाना चाहते हैं तो फ्रीमॉन्ट में है, और ईमेल करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com. इस पे आप लॉग ऑन करके कोई भी ईमेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अगेन रेवा जी, थैंक यू. बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, आज आपने फिर समय दिया हमारे को. गुड. और सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी. इसी तरह जुड़े रहिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के साथ. जय माता दी, जय माता दी. आप सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, मैं हूँ सुमन जिएजा. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Riva Kumar, your Vastu specialist.